भरतपुर के आगरा बॉर्डर पर कांग्रेस की बसों को अनुमति नहीं मिलने को लेकर अब भी कांग्रेसी करीब 500 बसों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। काफी कोशिशों के बाद भी अभी तक कांग्रेस की बसों को एंट्री नहीं मिली है। बता दें कि आगरा बॉर्डर पर करीब 500 बसें लंबी लंबी कतारों में खड़ी है, लेकिन अब बसों को इंतजार है तो बस अनुमति का। हालांकि जब कांग्रेसी नेताओं ने बसों को जबरन उत्तर प्रदेश बॉर्डर में एंट्री की कोशिश की तो आगरा पुलिस ने नाकेबंदी कर दी और किसी को भी सीमा में घुसने नहीं दिया गया। वहीं मामले को लेकर AICC सदस्य जुबेर खान ने कहा कि आज देश जवाब मांग रहा है कि आखिर मोदी सरकार क्या कर रही है। फिलहाल मंत्री सुभाष गर्ग, मंत्री भजनलाल जाटव इस मामले को लेकर नजर बनाए हुए हैं। तो एक भी लाइन में देख रहे हैं वो तो सरकार का जिम्मेदारी आपका, हाँ तो सरकार करे, इनकी सरकार नहीं है क्या? वहाँ इनकी जिम्मेदारी नहीं है? गुजरात में इनकी जिम्मेदारी? जब राजस्थान की सरकार ट्रेन का खर्चा दे सकती है, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने कहा है कि जो भी ट्रेन चल रही है उनका खर्चा हम देंगे, हमारी ट्रेन बुक नहीं कर रहे हैं, हम एडवांस में पैसा लिए खड़े हैं, आप हमको ट्रेन दो, पक्षपात कर रहे हैं, गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लगाने आते हैं, बीजेपी काम कर रही है क्या? अगर मानवता होती तो इन बसों को स्वागत करते और आज लाखों लोग अपने घर पहुंच गए होते। तो यूपी बॉर्डर पर मजदूरों की बसों को एंट्री नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस में काफी आक्रोश है। कांग्रेस के नेता लगातार संपर्क बनाए हुए हैं कि आखिरकार यूपी सरकार से अनुमति मिले जिसके बाद इन बसों को रवाना किया जा सके, यूपी के श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाया जा सके। लगातार गतिरोध देखने को मिल रहा है, कल से यह जंग लगातार देखने को मिल रही है जिसमें कांग्रेस की बसों को एंट्री नहीं दी गई है, जिसके बाद से कांग्रेस के कई नेता मौके पर डटे हुए हैं। आपको बता दें प्रियंका गांधी की पहल पर कांग्रेस की ओर से मजदूरों को घर वापसी कराने के लिए बसों की व्यवस्था की गई थी और इसी के तहत श्रमिकों को बसों के माध्यम से उनके घर तक पहुंचाया जा रहा था। भरतपुर के आगरा बॉर्डर का यह पूरा मामला है जहां पर कांग्रेस की बसों को अनुमति नहीं मिलने को लेकर अब भी कांग्रेसी करीब 500 बसों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। काफी कोशिशों के बाद भी अभी तक इन बसों को एंट्री नहीं दी गई है। आपको बता दें कि आगरा बॉर्डर पर करीब 500 बसें लंबी लंबी कतारों में खड़ी हैं और एंट्री का इंतजार कर रही हैं। इन बसों को अनुमति मिलने का इंतजार है। हालांकि जब कांग्रेसी नेताओं ने बसों को जबरन उत्तर प्रदेश बॉर्डर में एंट्री कराने की कोशिश की तो आगरा पुलिस ने मौके पर नाकेबंदी लगा दी, किसी को भी सीमा में घुसने नहीं दिया गया। वहीं मामले को लेकर AICC सदस्य जुबेर खान ने कहा कि आज देश जवाब मांग रहा है, आखिर मोदी सरकार क्या कर रही है। श्रमिकों की घर वापसी के लिए बसों की व्यवस्था की गई थी, इन बसों के जरिए श्रमिकों को भेजा जा रहा है, लेकिन राजस्थान और यूपी बॉर्डर पर विवाद खड़ा हो गया है। एक और मजदूर इंतजार कर रहे हैं अपने घर जाने का, इनके लिए बसों की व्यवस्था की गई है लेकिन यूपी में इनको प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, इन बसों को एंट्री नहीं दी जा रही है। आगरा पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है और नाकेबंदी करके इन बसों को रोका गया है। लगातार यूपी बॉर्डर पर गतिरोध देखने को मिल रहा है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जोगेंद्र अवाना, विधायक नदबई, हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी विधायक साहब, क्या कुछ अपडेट है मौके पर? कांग्रेस की तरफ से बसों की व्यवस्था की गई है, मजदूर इंतजार कर रहे हैं घर जाने का। देखिए कल सवेरे 9 बजे से जी बॉर्डर है ऊंचा नंगला, जो मेरी विधानसभा नदबई में आता है, जहां से बॉर्डर आगे यूपी का शुरू हो जाता है, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि लगभग 125 के आसपास बसे हैं जी। और उत्तर प्रदेश की सरकार जो उनके मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उन्होंने जब लेटर दे दिया, परमिशन दे दी, उसके बाद परमिट यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं आगरा के, उन्होंने परमिट अभी तक नहीं दिया।
कल अधिकारी आए, अधिकारी आके बैठ के ठीक है भाई हम दे रहे हैं सारी चीज, उनको बसों की सारी सूची दे दी, लेकिन उसके बाद में पता नहीं अचानक एक फोन आया, अधिकारी उसको परमिशन जो थी उसको लेके चले गए, बोले अभी आ रहे हैं इसमें कुछ करेक्शन करनी है जी। और आज सवेरे से तपे हुए लोग, मजदूर बेघर बेचारे जो हजारों किलोमीटर दूर से आए थे जी। और घर से बेघर है, नोएडा में हजारों की संख्या में मजदूर खड़े हैं, वो इंतजार कर रहे हैं बस कब आएंगी, बस कब आएंगी। और ये बड़ा शर्म और दुख की बात है कि ऐसे जहां पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा हो और इसी तरह भारत देश और हमारी कांग्रेस की नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने निर्णय लिया हो कि हम मदद करना चाहते हैं मजदूर जो हमारे भाई हैं, हमारे देश के लोग हैं, उनकी वो अपने घर तक पहुंचे, और ऐसे में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति कर रहे हैं, बड़े शर्म और दुख की बात है। ऐसे टाइम पे कभी राजनीति नहीं करनी चाहिए, और लोगों को चाहे वो हमारी पार्टी कांग्रेस के लोग हों या भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, दलों से ऊपर उठकर देश के हित में बात करनी चाहिए। बिल्कुल जी। विधायक साहब, यहां पर जानना चाहूंगा कि यूपी सरकार से अनुमति की बात सामने आई थी कि जब प्रियंका गांधी की पहल पर बसों से एंट्री कराने की बात आई थी तो यूपी सरकार ने अनुमति दे दी थी, लेकिन इसके बाद ये जो नाटकीय घटनाक्रम है ये देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, ये बेवजह की फिजूल की बातें हैं। केवल एक चिट्ठी जो हमारी नेता है प्रियंका गांधी जी, उनके निजी सचिव को उन्होंने दी, और परमिट इनको देना पड़ेगा, जब परमिट इनका देंगे तभी हम यूपी में एंटर कर पाएंगे। और जैसे ही हमारा राजस्थान का बॉर्डर का जो जिला भरतपुर है, और जैसे ही हम लोग उत्तर प्रदेश की सीमा में जाएंगे तो पहला जिला आगरा आता है जी। तो आगरा का जो प्रशासन है, आगरा के जो जिलाधिकारी हैं, उन्होंने अभी तक कोई किसी तरह की परमिशन ना दी, ना कुछ दिया, ना कोई परमिट किया। सारी बसें कल से इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है, लगभग 6 किलोमीटर लंबी एक लाइन लगी हुई है बसों की, यहाँ ऊंचा नंगला जो मेरी विधानसभा का गांव है, यहाँ से लेके भरतपुर तक लाइन लगी हुई है, और इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है सभी लोगों को। एक जरा सी चूक, छोटी सी चूक, कभी कहते हैं कि बसों की स्थिति ठीक नहीं है, कभी कह देते हैं बसों पे ट्रकों का नंबर दे दिया है, तो ये बड़े दुख और शर्म की बात है। इनको तत्काल इसका परमिट देना चाहिए था, बसों को यूपी में जाती। आज मजदूर जो बेचारे हजारों किलोमीटर दूर पैदल चल के आ रहे हैं, और आज पूरा देश देख रहा है, पूरी मीडिया उनको दिखा रही है, और ऐसे समय में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग, मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद भी यहाँ के प्रशासन के लोग, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मजदूरों को उनके घर नहीं पहुंच पा रहे, बसों को नहीं जाने दे रहे, इससे दुख और शर्म की बात किसी को हो नहीं सकती जी। जी एमएलए साहब, यहाँ पर मैं एक और बात जानना चाहूंगा, प्रियंका गांधी ने आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने अपील की है यूपी सरकार से, तो ऐसे में अब क्या लगता है आपको कि ये जो समस्या है इसका समाधान होने वाला है? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, प्रियंका गांधी जी जो हमारी नेता है उनका बहुत बड़ा दिल है। उन्होंने कल एक ट्वीट करके कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर चाहें तो उनपे अपने झंडे लगा लें बसों पे, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहें तो उन पर बैनर लगा लें जी, लेकिन कम से कम हमारे जो मजदूर बेचारे हजारों किलोमीटर दूर से पैदल चल के आ रहे हैं, कम से कम वो बसें हमारी जो भेजी हुई हैं, कम से कम उनको घरों तक तो पहुंचा दें। और अभी भी कहा प्रियंका जी ने, तो अभी भी वो बार बार अपील कर रही है मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ का जो जिला प्रशासन है आगरा का, वो कम से कम परमिट करे, जाने दे बसों को, मजदूर अपने घरों पे जाए, बेचारे घरों से बेघर हो गए, भारत के निर्माणकर्ता हैं वो, उन्होंने पूरे भारत देश को खड़ा किया है, और आज वो घर से बेघर है बेचारे। आज इस तरह का सोचते हैं, बताइए इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग इतनी ओछी हरकतें कर रहे हैं, ये बहुत शर्म और दुख की बात है जी। चलिए विधायक साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नदबई विधायक जोगेंद्र अवाना, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से अपील की जा रही है यूपी सरकार से कि बसों को एंट्री दी जाए, कांग्रेस की ओर से बसों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इन बसों को एंट्री नहीं दी जा रही है। चिलचिलाती धूप में मजदूर अपने घर जाने के लिए बेताब हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन यूपी बॉर्डर पर इन बसों को रोक दिया गया है, इनको एंट्री नहीं दी जा रही है। लगातार यूपी बॉर्डर पर गतिरोध देखने को मिल रहा है, कांग्रेस के द्वारा मंगाई गई बसों को एंट्री नहीं दी जा रही है, मजदूर इंतजार कर रहे हैं, चिलचिलाती धूप में इन मजदूरों को इंतजार करना पड़ रहा है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मंत्री सुभाष गर्ग फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। मंत्री जी नमस्कार। नमस्कार सर। गतिरोध लगातार देखने को मिल रहा है, मजदूर परेशान हो रहे हैं, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं दी जा रही है, यूपी में उन्हें प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी की ओर से बसों की व्यवस्था की गई थी, क्या कहेंगे सर? देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है
यूपी राज्य के अंतर्गत हजारों जो है श्रमिक और बेरोजगार जो है मजदूर पैदल चल रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के द्वारा राजस्थान बॉर्डर पर 500 बस खड़ी की गई हैं, जिनको करीब करीब 29 घंटे हो गए हैं जी। और इसके बावजूद कोई परमिशन नहीं दी जा रही। अभी प्रियंका गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी से अपील की है, बड़ी मार्मिक अपील की है कि आप भाजपा के झंडे लगा दो लेकिन परमिशन तो दे दो। लेकिन इसके बावजूद भी अभी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की हमारे की और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आगरा की बात हुई है, उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है कि हमारा जो है बॉर्डर सीज है, हमारे पास कोई नहीं, हम कोई अनुमति नहीं देंगे। तो हम लोग केवल आधा घंटे जो है और 4 के बाद 4:30 तक इंतजार करेंगे, जिसके बाद मजबूरी में हमें विवश होकर के इन बसों को वापस रवाना करना पड़ेगा। वापस घर वापसी करवाएंगे इनको? करेंगे ही, जब सरकार परमिशन नहीं दे रही। इतना पैसा कांग्रेस पार्टी का खर्च हो गया, इसके बावजूद भी उनके जू नहीं रह रही है। मानवता के आधार पर भी बात नहीं करना चाहते। प्रियंका गांधी जी ने खुद अपील की है सीएम से कि भाई आप 4 बजे तक परमिशन दे दीजिए, इसके बावजूद कोई कम्युनिकेशन नहीं है। 4:30 होने जा रहा है, हमने इसी आधार पर भाई आधा घंटे और इंतजार कर ले हैं। अगर नहीं आती है तो निश्चित रूप से हमें अपनी बसेस को वापस करने के लिए निर्देश देने पड़ेंगे। मंत्री जी, यहाँ पर जानना चाहेंगे कि इतनी बढ़िया व्यवस्था कांग्रेस की ओर से की गई और यूपी में इन्हें एंट्री नहीं दी जा रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीति तो दिमाग में नहीं आ रही है, राजनीति को लेकर के? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की प्राथमिकता में कृषक, किसान, मजदूर, ये श्रमिक, माइग्रेंट लेबर है ही नहीं। उनकी प्राथमिकता में उद्योगपति है, बड़े बड़े व्यवसायी है, बड़े बड़े पैसे वाले संपन्न लोग हैं, उनकी ये जो है ध्यान रखती है। आम आदमी, आम मजदूर उसका ख्याल नहीं रखती, और यही कारण है कि उनके लिए परमिशन नहीं दी जा रही। बिल्कुल मंत्री जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कांग्रेस की ओर से। बता रहा हूँ, एक और उदाहरण दे रहा हूँ। हरियाणा सरकार, जहाँ बीजेपी की सरकार है जी, जिन्होंने बस अपनी रोडवेज की बसें भेजी, उनकी बसेस को वापस कर दिया गया जी। क्या, और वो तो श्रमिकों को लेके जा रही थी हरियाणा से यूपी वालों को। आप बताइए क्या अधर्मता है? बिल्कुल, अखबार में छपा भी मैंने पढ़ा है जी। जी मंत्री जी, एक अंतिम बात आपसे जानना चाहूंगा कि एफआईआर की बात सामने आ रही थी कि अगर 4:30 बजे तक अगर एंट्री नहीं दी जाती है। कुछ नहीं है, वो तो हमारे कांग्रेस पार्टी का जो उच्च नेतृत्व वो तय करेगा जी, अभी इस बारे में कोई चर्चा नहीं है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मंत्री सुभाष गर्ग, जिन्होंने अपनी बात साझा की। यूपी बॉर्डर पर लगातार गतिरोध बना हुआ है, यूपी जाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई कांग्रेस की ओर से, लेकिन यूपी सरकार की ओर से बसों को एंट्री नहीं दी गई है। चिलचिलाती धूप में मजदूर परेशान हो रहे हैं।